चलिए सर जी, एग्जाम्पल वन से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल वन में हमारे पास दो शेप है, एक शेप है रेक्टेंगल और दूसरा शेप है स्क्वायर। रेक्टेंगल की डायमेंशन है 45 मीटर और 20 मीटर और स्क्वायर की डायमेंशन है 30 मीटर और 30 मीटर। मज़े की बात यह है कि इन दोनों का एरिया सेम है। क्या इन दोनों का एरिया सेम टू सेम है? तो तुम्हें ये बताना के है कि अगर इन दोनों का एरिया सेम है तो क्या इसका पेरीमीटर भी सेम होगा या नहीं, और अगर पेरीमीटर सेम नहीं है तो पेरीमीटर का डिफरेंस क्या है वो ढूंढना है। तो कैसे करें इसको, पेरीमीटर कैसे फाइंड करें? इन दोनों का एरिया सेम है, उस बात से कुछ लेना देना है? पेरीमीटर सेम होगा तुम्हें ऐसे लगता है? तो चेक करते हैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। 2 into कहाँ गया, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 एल प्लस बी। एल कितना है और बी कितना है, और बी 20। तो क्या मैं ऐसे लिखूं 2 45 प्लस 20। व्हाट इज 45 प्लस 20? 65 टू जा 130 क्या मीटर। तो ये किसके रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया। अगर लगे हाथ मुझे स्क्वायर का पेरीमीटर ढूंढना हो तो उसका क्या फॉर्मूला है? हाँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, 2L प्लस बी, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, हाँ। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4L, यानी कि 4 टाइम्स व्हाट, यानी कि 30 मीटर। 430 इज अ 120 मीटर। अब बताओ कि क्या ये दोनों पेरीमीटर सेम टू सेम है? नहीं है ना। इफ नॉट फाइंड द डिफरेंस, तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? डिफरेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, हाँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और अगर स्क्वायर का पेरीमीटर बड़ा होता तो फॉर्मूला क्या बनता? तो रेक्टेंगल का है 130 मीटर और स्क्वायर का है 120 मीटर, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 10 मीटर। है कुछ इसमें? तो इसके पहले वाले एक्सरसाइज के भी ऐसे ही प्रॉब्लम है, लिख लो, तुम कोशिश नहीं कर रहे हो। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, मंगल के पास 2 टेबल है। कितने टेबल है? 2 टेबल। एक टेबल जो है वो रेक्टेंगल शेप का है और दूसरा टेबल जो है वो स्क्वायर शेप का है। तुम्हें इन दोनों ही टेबल के पेरीमीटर को और एरिया को कंपेयर करना है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंपेयरिंग? कंपेयर कैसे कर सकते हो? दोनों का फाइंड करना पड़ेगा। अगर इक्वल है तो लिख दो इक्वल, पर अगर इक्वल नहीं है तो डिफरेंस ढूंढना है, जैसा इसके पहले किया था। अगर इक्वल हो तो हम क्या करेंगे, दे आर इक्वल स्टेटमेंट लिख देंगे, पर अलग, पर अलग, पर अगर अलग है तो हम डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? तो बताओ, सबसे पहले मैं पेरीमीटर निकालना चाहता हूँ, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला तो सेम टू सेम ही रहेगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा दो, 2 1 ना, सो 2 3, 3 2 6 मीटर। अब स्क्वायर की 4L, यानी कि 4 into 1.5, 15 4 60, डिवाइड बाय 10, 0 0 विल गेट कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 6 मीटर। इसका और इसका दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम। तो हम यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, हियर पेरीमीटर ऑफ बोथ टेबल आर
सेम या इक्वल दोनों लिख सकते हो। अब एरिया की बारी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाँ क्या है? L मल्टीप्लाइज विथ B, व्हाट इज L, व्हाट इज B? हाँ टू और वन, 2 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, 2 1 2 मीटर, मीटर जा मीटर स्क्वायर। छोड़ो इसको, वो टिक मार्क नहीं करता। क्लियर? अभी एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? हाँ क्या एरिया ऑफ स्क्वायर? स्क्वायर का एरिया? कम ऑन, ये तो फोर्थ वाले को भी पता होता है। साइड स्क्वायर, एल स्क्वायर हो ना तुम आज के? नहीं हो। एल कितना है? 1.52 द होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 15 डिवाइड बाय 10 टू द होल स्क्वायर? व्हाट इज 15 स्क्वायर? व्हाट इज 10 स्क्वायर? 1 2 बाद में डंडे, तो 1 2 बाद में पॉइंट, तो कितना आ गया? 2.25 मीटर स्क्वायर। हाँ या ना? ये कितना है? 2। वो कितना है? 2.25। तो अगर डिफरेंस हो तो हमें क्या करना है? अलग अलग हो तो डिफरेंस निकालना है। सो डिफरेंस इन एरिया, डिफरेंस इन एरिया इज इक्वल्स टू व्हाट? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर का कितना है? 2.25। और स्क्वायर का, सॉरी रेक्टेंगल का कितना है? 2। तो डिफरेंस कितना है? 0.25 मीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा। एक बात ऑब्जर्व की, पेरीमीटर सेम होने के बावजूद भी, तो अगर एक ही वायर है तो तुम उसको ऐसे भी सेट कर सकते हो कि जिससे उसका एरिया कम हो, और ऐसे भी सेट कर सकते हो कि जिससे उसका एरिया ज्यादा हो। तो पेरीमीटर सेम होने से एरिया सेम हो ऐसा जरूरी लिख लो। ये सॉल्यूशन रब करना रह गया ना, सॉल्यूशन रब कर दो कि बाकी हो। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। तुम्हें इसमें एबीसीडी दिख रहा है क्या? ए बी सी डी। तो ये जो ए बी सी डी है ना, वो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब क्या? वो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये एक रेक्टेंगल है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि हाँ, पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी जो है ना, वो ए और बी का मिड पॉइंट है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका डिस्टेंस बी से और ए से कितना होगा? हाँ टोटल कितना है? तो ये आधा आधा कितना होगा? तो यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ये डिस्टेंस भी 4 है और ये डिस्टेंस भी 4 है, मीटर मीटर। एरो मार्क, एरो मार्क। यहाँ तक चीजें क्लियर? उसके बाद उन्होंने बोला है कि बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू क्यू। बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू क्यू, बी ए को क्यू तक आगे बढ़ाया गया है। प्रोड्यूस टू का मतलब है बनाया जाना। तो बी ए को क्यू तक आगे इस तरीके से बढ़ाया गया है, सच दैट ए क्यू इज इक्वल्स टू बी पी। ए क्यू और बी पी, ए क्यू यानी कि ये वाला हिस्सा और बी पी यानी कि ये वाला हिस्सा सेम टू सेम हो जाए। ठीक है, बी पी कितना है?
तो ए क्यूब कितना होगा, तो ये भी कितना हो गया 4 मीटर। ये जो ग्रीन पेन से किया है वो दिया नहीं है, हाँ हम बना रहे हैं। तो इन्होंने बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ डी सी पी क्यू, तो डी सी पी क्यू यानी कि इतना हिस्सा। इसका एरिया हमें ढूंढना है, कैसे ढूंढे? डी सी पी क्यू शेप कौन सा है? ट्रेपेजियम लग रहा है डी सी पी क्यू, हाँ डी सी पी क्यू ये कौन सा शेप लग रहा है? हाँ, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है याद है? वेरी गुड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है 1/2, हाँ पर हाफ नहीं लगाना है, बेस इनटू हाइट। क्या है? बेस इनटू हाइट, 1/2 नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला है इसका। अच्छा, इसका बेस कितना हुआ और इसकी हाइट कितनी हुई यहाँ से लेके यहाँ तक? हाँ ये वाली हाइट 4, तो इसका बेस है 8 और हाइट है 4, तो बेस है 8 और हाइट है 4, 8 × 4 = 32 meter। ये हो गया तुम्हारा आंसर। हाँ और क्या, क्वेश्चन भी हार्ड नहीं था वैसे, हाँ कंस्ट्रक्शन टफ था। लिख लो, चलो एग्जांपल 4। इस दी गई फिगर में, ये पूरी की पूरी फिगर दी हुई है, हमें कुछ करना नहीं है, हमें इस फिगर में पीडीसी का एरिया ढूंढना है। पीडीसी देख पा रहे हो? पी डी सी ये कौन सा शेप हुआ फिर? और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? वेरी नाइस, हाँ 1/2 बेस इनटू हाइट, तो इसका बेस क्या हो गया और हाइट कितनी हो गई? फॉर्मूला डालो, सॉल्व करो, हाँ उतना ही है। चलो यहीं पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी डी सी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल्स टू 1/2, बेस बताओ कितना है 8 मीटर और हाइट बताओ कितनी है 4 मीटर। कुछ कटकुट हो रहा है क्या? 2, हाँ यहाँ पे कट करो तो भी चलेगा, वहाँ पे करोगे तो भी चलेगा। 4 × 4 = 16 meter² आंसर, इजी लिख लो। चलो एग्जांपल नंबर 5 में तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी, इसमें दो हाइट तुम्हें दिख रही होगी, एक हाइट एडी, ए वर्टेक्स है और बीसी बेस है, और दूसरी हाइट तुम्हें दिख रही होगी सीई, जिसमें सीई सी वर्टेक्स है और एबी बेस है। अच्छा, यहाँ पे हाइट और बेस को चेंज कर देने से एरिया चेंज होता है कि उतना ही रहता है? उतना ही रहता है, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी तो वही है, तो फर्क नहीं पड़ता कौन सी हाइट ले रहे हो या कौन सा बेस ले रहे हो, तुम्हारा एरिया हमेशा सेम ही रहेगा। पर हाँ, जोड़ियां सेम लेनी है, जिसके ऊपर हाइट है वही बेस लेना है, ऐसे नहीं ले सकते कि इसकी हाइट ले ली और इसका बेस ले लिया, वैसे नहीं कर सकते। जिसके ऊपर हाइट बन रही है वही बेस लेना है, तो अगर सी ई ले रहे हो तो ए बी लेना पड़ेगा, और अगर ए डी ले रहे हो तो बी सी लेना पड़ेगा। तो अभी तुम मुझे बताओ कि अगर इस ट्राइंगल का मुझे एरिया ढूंढना हो, जिसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो कौन सा बेस लोगे और कौन सी हाइट लोगे? क्यों वही? वही क्यों तुम ले रहे हो, वो दूसरा वाला क्यों नहीं ले रहे? सर वो स्लाइडिंग में तो थोड़ा, ऐसे नहीं, तुमने कौन सी हाइट ली?
एडी है तुम्हारे पास, बीसी, क्योंकि वो दोनों अवेलेबल है इसलिए वो ले रहे हो। अभी देखो सीई है तुम्हारे पास, एबी है, एबी है क्योंकि वो सीई अवेलेबल नहीं है इसलिए वो हाइट नहीं ले रहे। तो ये फॉर्मूला चेंज क्या होगा, वन हाफ बेस किसको ले रहे हो, बी सी, और हाइट कौन से ले रहे हो, ए डी। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ, वन हाफ बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, 9 सेंटीमीटर, और ए डी इज इक्वल्स टू व्हाट, 6 सेंटीमीटर। कुछ कटकुट हो रहा है तो बताओ, नहीं हो रहा, 2, 3 जा 6, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर वन, सही है। अभी हमें ये तो मिल गया एरिया ऑफ ए बी सी, अभी हमें सी ई ढूंढना है, उसको कैसे ढूंढे, सी ई। वेरी नाइस, तो क्या मैं फिर से, हाँ, नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ या ना, अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का दूसरा फॉर्मूला बनाओ, विच इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर इस बार हम दूसरी जोड़ी लेंगे, तो इसको मैं क्या लिखूं, 1/2। अब बेस किसको ले रहे हो, ए बी को बेस ले रहे हो, और हाइट किसको ले रहे हो, सी ई, विच इज इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1/2 ए बी कितना है, तो क्या मैं उसको 75/10 लिखूं तो चलेगा, मल्टीप्लाई सी ई तो ढूंढना है तो सी ई को सी ई ही रहने दो, विच इज इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी सेंटीमीटर में ही था ना, सेंटीमीटर। सब कुछ सामने भेज दो, सो सी ई इज इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई, जो डिवीजन में है उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई 2 × 10 होल डिवाइडेड बाय, जो मल्टीप्लीकेशन में है वो, यानी कि 75 सेंटीमीटर। कुछ कटकुट हो रहा है तो बता, ठीक है चलो, तो मैं अगर 10 को खोल दूं तो 2 5 जा हो जाएगा, और 5 को यहाँ पे कट करो तो 25 हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा ना। तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 27 2 जा 54 54 2 जा 108, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 108 / 25। तो अप्रोक्सीमेट कितना आंसर आ जाएगा, 25 4 जा 100, राइट, 0.8 बचेगा तो 10 लेंगे तो 80, 25 के टेबल में 80 से क्लोज, 75 3 जा, तो 3 जा 75, 5 बचा 0, 50, 25 2 जा, तो 4.32 सेंटीमीटर होना चाहिए। देख लेते हैं, CE इसमें 7.2 आ रहा है, हमारा 4.32 आ रहा है, बताओ गलती कहाँ है, किसी को भूल गए क्या हम, तो गड़बड़ ढूंढो, गड़बड़ कहाँ है, सेंटीमीटर स्क्वायर खोलते या नहीं खोलते तो भी आंसर में फर्क नहीं पड़ता। ये देखो 1/2 AB = 7.5 सेंटीमीटर, सही तो है।
और ये हो गया सन 10 CE. 2 और 10 को ऊपर भेज दिया और 75 को नीचे भेज दिया. CM will get cancelled. हमने 10 को खोला 2 और 5 से, 5 को 25 से कैंसिल किया. 15 ठीक है. तो अभी 27 टू ज़ा 54, 2 ज़ा 108 डिवाइड बाई 15 आएगा. कितना आएगा? 15. तो 108 डिवाइड बाई 15 अगर हम करें, 108 डिवाइड बाई 15, 15 के टेबल में 108. राइट, रुक जाओ. 27 को अगर खोल दे, 3 9 ज़ा और यहाँ पे 3 5 ज़ा. सही है? तो ये चेंज हो जाएगा ना. तो कितना होगा बताओ? और कुछ कट हो रहा है? 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36/5. 36/5 करो. रुको, मुझे ही करो, तुम मत करो. 36/5, 5 7 ज़ा 35, 10 point. 5 2 ज़ा कितना आ गया? 7.2. तो ये हो गया 7.2 सेंटीमीटर. सही है? हाँ सही है. 7.5 नहीं, 7.2. लिख लो. चलो एग्जाम्पल 6, एक पैरेललोग्राम है PQRS. वो तुम्हें दिख रहा है क्या पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम का मतलब क्या था, क्या होता है? हाँ वो तो सही है, वो तो क्वाड्रिलेटरल भी है, वो तो रेक्टेंगल या स्क्वायर. पैरेललोग्राम का मतलब होता है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. यहाँ पे भी ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. यहाँ तक चीजें क्लियर है? अभी इसका एरिया ढूंढना है. तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इनटू हाइट. इसमें तुम्हारे पास बेस है, हाइट है क्या? QM. हाँ बेस ऐसा रहे क्या? तो इसको डायरेक्टली ही नहीं ढूंढ सकते, ठीक है? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो हमें मिल जाएगा बेस इनटू हाइट से. अभी QN ढूंढना है. QN इसको कैसे ढूंढे? कहाँ? ठीक है चलो, ये ट्रायंगल बन रहा है तो फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट. तो बेस कितना है, PN कितना है दिया है क्या? तो फिर हाँ हाँ तुम सोचो, तब तक हमने जो हमें जो आता है वो हम लिख लेते हैं. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट? मैं ये लिखूँ ना, तब तक तुम सोचो. इज इक्वल टू 1/2 बेस, ए सॉरी 1/2 नहीं, सिर्फ बेस इनटू हाइट. बेस इनटू हाइट, बेस हमारे पास है SR और हाइट हमारे पास है QM. SR हमारे पास है 12 सेंटीमीटर और QM हमारे पास है 7.6 सेंटीमीटर. तो जिसको मैं लिख लेता हूँ 76/10 सेंटीमीटर. इसको कट कुट नहीं करना चाहिए, 76 × 12 में यहाँ पे कर देता हूँ. 76 × 12, 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर 1, 2 7 ज़ा 14, प्लस 1 15. टेंथ प्लेस के लिए 0, 1 6 ज़ा 6, 1 7 ज़ा 7.
टू प्लस जीरो टू, फाइव प्लस सिक्स इलेवन, रिमाइंडर वन, सेवन एट नाइन. मम्मी फिट कर देशे पछी. चा हूँ मम्मी ने मोकलीश, तू मम्मी ने मोकलीश. तो ये कितना हो जाएगा, 912 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर. मुकी दे मारी ली थी इसमें तो ई मारी छे आ मारी को हां ई मारी छे तारी ऊपर छे वो तो पछी अंदर बोर्ड छे अंदर बोर्ड छे हां तो आप पूछो ले ब्लू 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 तो हो काई गई छे ले 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 जा ओके 912 अपॉन 10 यानी कि 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये तुम्हें मिल गया आंसर वन. बाद में तुम्हें ये क्यू एन चाहिए, कुछ सोचा इसके बारे में? बहुत ही इजी है. चलो हाँ नहीं तो अब मुझे लगा अभी पकड़ लोगे. ऐसा ही प्रॉब्लम अभी जस्ट हमने किया है इससे पहले, जिसमें तुमने बढ़िया ट्रायंगल वाला एल्टीट्यूड एंड बेस वाला राइट और बेस और हाइट को चेंज कर देंगे. तो क्या मैं अभी ऐसे लिखूं, नाउ एज वी नो, नाउ एज वी हैव लिख देते हैं. चलो एज वी हैव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू व्हाट, कितना मिल चुका है हमें, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला चेंज कर दे तो क्या मैं इसको फिर से बेस इनटू हाइट लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल्स टू 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाँ या ना? अभी बेस और हाइट दोनों चेंज कर लो. बेस ये ले लो यानी कि पी एस और हाइट उसके ऊपर जो बन रही है उसको ले लो. क्यू एन इज इक्वल्स टू व्हाट, 91.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर. हाँ या ना? व्हाट इज पी एस, हाँ 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई क्यू एन तो हमें ढूंढना है. तो क्यू एन इज इक्वल्स टू, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, 912 डिवाइड बाय 10 लिखूँ तो चलेगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर. 8 और सेंटीमीटर को सामने भेज दो तो क्यू एन इज इक्वल्स टू 912 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10. हाँ या ना? कुछ कटकुट हो रहा है क्या 912 और 8? सोचो कितने से होगा. 8 ones are 8, 1 1, 8 ones are 8, 3 2, 8 4s are 12, 8 4s are 32. सही है ना? तो 1 1 देखो फिर से, 8 ones are 8, 1 1, 8 ones are 8, 3 2, 8 4s are 32. सो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर भी गया. तो 114 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू व्हाट, सेंटीमीटर. तो ये हो गया तुम्हारा आंसर. एरिया ढूंढा? हाँ. नहीं नहीं ये तो हमने क्यू एन ढूंढा ना, एरिया को तो इस्तेमाल किया. इसको इस्तेमाल करके क्यू एन को ढूंढा और क्यू एन तो हाइट है ना, तो हाइट तो सेंटीमीटर में ही होती है. पक्का लिख लो. चलो एग्जाम्पल सेवन, रोम्बस. हमारे पास एक फिगर है ए बी सी डी, एक रोम्बस है. रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर सारी साइड कैसे होते हैं, साइड्स. रोम्बस यानी कि पिचका हुआ स्क्वायर. स्क्वायर को कोनों से दबा दो ना तो रोम्बस बनता है. तो जैसे स्क्वायर की सारी साइड इक्वल है, रोम्बस की भी सारी साइड. हाँ
और रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को और बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं, मतलब ये वाला भी हिस्सा इक्वल और ये वाला हिस्सा भी इक्वल। क्लियर? अभी हमें इसका एरिया ढूंढना है। फॉर्मूला बताओ, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू व्हाट? एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का हो, डायमंड का हो या काइट का हो, इन तीनों का फॉर्मूला सेम ही है, 1/2 d1 into d2। क्या फॉर्मूला है? 1/2 d1 into d2। गैस कर सकते हो d1 d2 क्या है? डायगोनल 1, डायगोनल 2। डायगोनल 1 कितनी है? AC कितना है? A से लेके C तक 8, तो डायगोनल 1 हो गया ये, और B से लेके D तक डायगोनल 2 हो गया, 1 और 2। चलो तो d1 कितना है? 8 मीटर और 6 मीटर। कुछ कटकट हो रहा है क्या? 4 × 8, 4 × 6 = 24 मीटर मीटर। ये हो गया तुम्हारा आंसर 1, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, ये तीनों के लिए सेम ही फॉर्मूला है, रोम्बस हो, डायमंड हो या काइट हो। ठीक है, काइट्स पता है ना? ओके, तो ये हमें मिल गया। अभी साइड ढूंढनी है, कैसे ढूंढे? चारों साइड सेम ही है, कोई भी एक ढूंढो। हाँ, कैसे ढूंढ सकते हैं, कोई आइडिया? हाँ बोलो, सही बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, बोलो। अच्छा हाँ, चलो ट्राई करो, नहीं तो बाद में मैं बताता हूँ। ये तो हमें मिल गया, साइड ढूंढनी है, कोई भी साइड। डी बी, हाँ दिया है ना, बी डी। वेरी नाइस, देखो बी डी 6 है और ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये भी 3, ये भी 3 हो जाएगा, तो इसको मैं 3 लिख देता हूँ। फिर वेरी नाइस, एसी 8 है, ओसी 4 हो जाएगा। अब राइट, तो उसको क्या बोलते हैं? वेरी नाइस, पीजीटी से हमें सीडी मिल जाएगा। तो कौन सा ट्रायंगल तुम देख रहे हो? फॉर हाँ, फॉर ट्रायंगल डीओसी, डीओसी में डीओ इज इक्वल्स टू 3, डीओ इज इक्वल्स टू 3 मीटर। क्यों 3 मीटर है ये? हाँ, तो हम यहाँ पे क्या रीजन लिखे? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या लिखेंगे? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो अगर पूरी 6 है तो आधी 3 ही होगी। उसी तरीके से OC इज इक्वल्स टू व्हाट? 4 मीटर, सेम रीजन। ठीक है, तो अभी बाय यूजिंग पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम क्या लिखे? डीओ स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, डीओ स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सीडी स्क्वायर या डीसी स्क्वायर, जो भी लिखना चाहो। डीसी स्क्वायर, डीओ स्क्वायर कितना है? 3 का स्क्वायर, ओसी स्क्वायर 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू डीसी स्क्वायर, व्हाट इज 3 स्क्वायर? 4 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, साइड चेंज कर ले तो डीसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9, वो किसका स्क्वायर है? तो डीसी इज इक्वल्स टू व्हाट? 5 मीटर। और अगर डीसी 5 मीटर है तो सारा भी क्या हो जाएगा? क्यों 5 मीटर हो जाएगा?
क्योंकि ये रोम्बस है और रोम्बस के साइड कैसे होते हैं, राइट, इजी। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर टू। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तीन एग्जांपल है 8, 9 और 10, पर वो अच्छे एग्जांपल है तो तुम्हारे पार्टनर का वेट करता है, इतने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, पर इसके बाद वाले जो हैं वो एक बार वो देख ले तो उसको भी मजा आएगा। इतना लिख लो।